गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, आई एम योर साइंस टीचर श्रेया। दिस इज वीडियो नंबर 16। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक पेज कंप्लीट कर दिया था, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। चलिए अब हम लोग स्केलेटन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्कल। द स्कल इज द आउटर बोनी प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स जॉइंट टूगेदर। स्कल हमारे ब्रेन का आउटर प्रोटेक्टिव कवर है जो कि 8 फ्लैट बोन से बना हुआ है जो कि एक दूसरे से जॉइंट रहती हैं। फंक्शंस ऑफ द स्कल। फर्स्ट द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। The upper jaw, maxilla and the lower jaw, mandible have sockets for our teeth. Third is, teeth are hard bone like structure in both the jaws. Fourth is, the upper jaw is immovable. Last is, the lower jaw is the only bony part of the skull. Face, it means, that moves all other bones fixed in our स्कूल। पहला देखिए बच्चों, जो स्कूल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड इज अपर जो मैक्सिला एंड लोअर जो मैंडिबल, ये दोनों एक सॉकेट जैसे हैं जिसमें हमारे टीथ। सेकेंड इज जो हमारा अपर जो होता है उसका नाम मैक्सिला है और जो लोअर जो है मैंडिबल, ओके, वो एक सॉकेट के जैसे होता है जिसमें हमारे टीथ फिक्स्ड रहते हैं, ओके। थर्ड इज जो हम लोग का टीथ होता है वो एक बहुत ही हार्ड बोन से बना होता है और ये हमारे दोनों जॉज में पाए जाते हैं। फोर्थ इज जो अपर जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, मतलब वो लोग मूव नहीं कर सकते हैं। अपर जो मतलब जो हमारे दांतों का जो ऊपर हिस्सा होता है, होंठ के ऊपर वाला जो दांत होता है दिस साइड, वो मूव्स नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पे फिक्स्ड रहते हैं। हमारे स्कल में, इट मीन्स हमारे फेस में एक लोअर जो ही एक ऐसा बोनी पार्ट है जो मूव्स कर सकता है और जो बाकी बोन्स हैं वो हमारे स्कल में फिक्स्ड रहते हैं, वो मूव्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बैक बोन। द स्पिनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द बैक बोन। द स्पाइन टेक्स द फुल वेट ऑफ द अपर बॉडी कनेक्टिंग इट टू द लोअर पार्ट। द बैक बोन इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ 33 स्मॉल बोन्स रेस्टिंग वन ऑन अनदर। द बोन्स कैन मूव ईच अदर स्लाइटली टू अलाउ द बॉडी टू बेंड। द कॉलम ऑफ द बैक बोन इज कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। द स्पाइन कैन कर्व नेचुरली, हाउएवर इफ द स्पाइन्स कर्व टू मच इट कैन कॉज इंजरी टू द बोन्स बिकॉज ऑफ बैड पॉस्चर। हम लोग की जो बैक बोन होती है वो स्पिनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट रखती है और ये जो स्पाइन है ये हमारे अपर बॉडी का ऊपरी हिस्से का पूरा वेट उठा के रखता है और लोअर पार्ट से ज्वाइन भी रखता है, इट मीन्स कनेक्ट भी रखता है। हमारी बैक बोन 33 सीरीज से बनती है जो कि बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और ये बोन्स बहुत ही धीरे मूव्स करती हैं। इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी, हमारी जो बैक बोन है मूव कर पाती है, बेंड कर पाती है। हमारे बैक बोन के जो कॉलम्स हैं वो वर्टिब्रल कॉलम्स कहलाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो कॉलम्स हैं ना, ये ऐसे है ना, ये कॉलम्स वर्टिब्रल कॉलम्स कहलाते हैं, ओके। और ये नेचुरली कर्व रहते हैं, मतलब मुड़े हुए रहते हैं। आप देख सकते हैं कैसी है, ये थोड़ी टेढ़ी है ना, तो ये नेचुरली कर्व रहती है, ओके। जैसे कि हमारी बैकबोन अगर ज्यादा कर्व रहती है तो इसे हम लोग एक तरीके से इंजरी कह सकते हैं
और ये एक तरीके से हमारे पोस्चर की वजह से हो सकता है, जैसे कि हम लोग सीधा बैठते हैं, सीधा खड़े होते हैं, या फिर टेढ़ा बैठते हैं, या फिर टेढ़ा खड़े होते हैं। अब हम लोग चेयर पे बैठते हैं, अगर हम लोग स्ट्रेट बैठेंगे तो कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी, कोई भी ऐसी इंजरी हम लोग को नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग हमेशा झुक के बैठेंगे, झुक के खड़े होंगे, तो ऐसी इंजरी हम लोग को हो सकती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बोन्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हेडिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय क्लास।